इंदौर गेट मार्ग की होटल कलश में शनिवार रविवार रात को पिस्टल तानकर श्रद्धालुओं से लूट करने वाले बदमाश इंदौर के हिस्ट्री शीटर निकले। तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने पर बदमाश चलने लायक नहीं बचे। इंदौर के खजराना क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर आरिफ पिता अब्दुल हमीद 33 साल ने साथी तौफिक पिता शब्बीर खान 24 साल व एहसान उर्फ भैयू पिता अनवर खान 31 साल के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परसों का घटनाक्रम है। एक कलश होटल में हमारे दिल्ली से और विदिशा से आए एक दो श्रद्धालु परिवारों के साथ होटल में घुसकर एक लूट की घटना कारित की, जिसमें तीन लोग थे। जो हमारे पास जो तकनीकी साक्ष्य जो एकत्र की थी और जो ग्राउंड इनपुट थे, उसके आधार पर हमने एक गाड़ी को चिन्हित किया था और हम उसको ट्रैक कर रहे थे। और सवेरे उसको हमने धर्मबड़ला के पास उस गाड़ी को ट्रैक किया और उसे तीनों आरोपी जो हैं उस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से हमें 18,000 रुपये कैश और जो सामान जेवर था वो लूटा है, जो है उसको हमने रिकवर किया है। कुछ सामान उन्हें जो छुपाया है उसके संदर्भ में हमने उनसे पूछताछ की है और हमारे पास स्पष्ट हुआ है कि कहाँ गया है। उसके संदर्भ में हम पुलिस रिमांड लेकर उस जेवरात को भी रिकवर कर रहे हैं। आज इन्होंने भागने का प्रयास किया था, आरोपियों ने किस प्रकार की मुठभेड़ हुई, क्या कुछ? जैसे ही उनको इंटरसेप्ट किया गया तो इंटरसेप्ट करने के दौरान वो लोग गाड़ियों से उधर के भागे। हमारी टीमों ने उसको पीछा करके पकड़ा है। इस दौरान उनको कुछ चोटें जरूर आई।